इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त के अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। जी हाँ, धूमधाम से हो रही शादी में बिजली ने खलल डाला है और बिजली गुल होते ही दुल्हने बदल गई। इतना ही नहीं, पंडित ने बदली दुल्हनों के साथ दूल्हों के फेरे भी करवा दिए। जब दोनों दूल्हे अपने दुल्हनों को घर ले गए तब हकीकत पता चली तो विवाद की स्थिति बनी और बाद में समझौता हुआ। मामला उज्जैन जिले के दगवाड़ा गांव का है। इंगोरिया थाना क्षेत्र के दगवाड़ा गांव में भील समाज के भोला और गणेश के साथ यह अनहोनी हुई है। दरअसल दोनों की बारात उज्जैन जिले के नलवा के समीप ग्राम असलाना गई थी। वहां वधू पक्ष की तीन बहनों की शादी थी। फेरों के बाद दो दुल्हनें शुक्रवार को दगवाड़ा आई थी। गणेश की शादी निकिता नाम की दुल्हन के साथ होनी थी, लेकिन जब फेरे होने लगे तो बिजली गुल हो गई। इस कारण दुल्हन बदल गई और निकिता के फेरे गणेश के साथ न होकर रामेश्वर के साथ हो गए। दूसरी दुल्हन ने गणेश के साथ फेरे लिए। चूंकि दुल्हने घूंघट में थी और दोनों की ड्रेस भी एक जैसी थी, इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला और हर कोई विवाह की रस्मों में मशगूल रहा। मगर अगले दिन सुबह जब दुल्हनों की विदाई हुई और दूल्हे उनको लेकर घर पहुंचे तो हकीकत पता चली। इसके बाद विवाद की स्थिति बनी। दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ और समझौतों के लिए रास्ता निकालने की सोची। बाद में पंडित से बात की और फिर से पूजन आदि करवा कर फेरों की रस्म निभाई। इसमें जिस दूल्हे के साथ जिस दुल्हन की शादी होनी थी उसकी शादी कराई, जिसके बाद मामला ठंडा हुआ। इस मामले में परिजनों ने कहा कि अंधेरा होने और दुल्हनों की एक जैसी ड्रेस होने के कारण यह स्थिति बन गई। तो ये था आप तक अभी लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वर्ल्ड ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।